हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली ऑल गुड। सो कैसी चल रही है आप लोगों की सीसेट 2024 की तैयारी? होपफुली बढ़िया चल रही होगी, बिकॉज 2023 के पेपर के बाद है ना, सबको लगने लगा था कि सीसेट तो अनडिफिटेबल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेगुलर तैयारी करो ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, रेगुलर का मतलब है ये नहीं कि लास्ट के 2 से 2.5 महीने, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा डेली के डेली थोड़ा पोर्शन कवर करना शुरू करें ना, तो विदाउट हमारी मेंस या जीएस के किसी भी सेक्शन को छेड़े बिना सी सेट की तैयारी इजीली हो सकती है। वो कैसे होगी? जैसे टॉप 5 सीरीज है, इन क्वेश्चंस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना भी पड़ेगा। वो समझे कहाँ पे? वो मेरे पास आइए, मैं समझाऊंगा। वो कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में आपको, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास है पाइप एंड सिस्टम के बेहतरीन 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चंस बोलूंगा इसे मैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 24 मिनट्स, यानी अगर मैं ए की बात करूं, कितना दिया मुझे ए, कितना दिया मुझे 12 मिनट, और बी कितना दिया मुझे 24 मिनट, ठीक है। व्हाइल अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 32 मिनट्स, तो सी कितना आ गया, मैं इसे लूंगा -32 मिनट, बिकॉज ये मेरे पास क्या है, एक ध्यान रखिए, ये मेरे पास एम्प्टी पाइप, डन। नेक्स्ट एलसीएम ले, सबसे पहले 96 आ गया मेरे पास एलसीएम, सो 12 8 4, और ये कितना आ गया -3। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? वर्क मेरे पास क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम, दैट्स इट, इज दैट क्लियर? ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, ठीक है। हाउएवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, द क्वेश्चन इज सेइंग कि लास्ट के 2 मिनट में सी ने काम नहीं किया, तो बेटा यहीं से क्वेश्चन उठाना है, लास्ट के 2 मिनट का काम किसका हो गया, लास्ट 2 मिनट वर्क किसका होगा मेरे पास, ये होगा ए प्लस बी का, कितना होगा बेटा, 1 मिनट का काम 12, 2 मिनट का काम कितना 24 यूनिट्स, क्लियर? सो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग 96 माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 72 यूनिट्स, क्लियर? 72, इसका मतलब सीधा सा कहिए 72 काम इन तीनों ने मिलकर किया होगा, सो 72 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस ही एंड देयर रिस्पेक्टिवली एफिशिएंसीज, 8 4 12 -3 कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया 8, सो 8 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये पता चले कि लास्ट के 2 मिनट का काम पहले कर दो, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स एंड 16 आवर्स, सो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 10, टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 16, दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, ओपनिंग बी फर्स्ट, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जिसका हो उसी को पहले हमने खोलना है, ठीक है। तो टेक एलसीएम फर्स्टली, तो एलसीएम कितना आ गया 80 ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 8, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास 5, ठीक है। सो फर्स्ट आवर में कौन काम करेगा, बी कितना काम करेगा मेरे पास 5, तो सेकंड आवर में किसने काम करना बेटा, ए ने, कितना काम करेगा 8, तो इनडायरेक्टली मैं कहूं 2 आवर में कितना काम हुआ मेरा 13 यूनिट्स, ठीक है। मुझे कितना काम करवाना है 80, 13 × 6 = 78, तो 6 78 मल्टीप्लाई दिस बाय 6, सो 12 आवर में कितना काम हो गया 78 पार्ट, क्लियर। सो रिमेनिंग कितना 80 - 78 = 2, देखो फर्स्ट आवर में ए कर रहा है, बी कर रहा है, सॉरी सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में, इसका मतलब जो भी मेरे ऑड आवर्स है ना उनमें कौन काम कर रहा है, बी, तो 13th आवर मेरा ऑड आवर होगा, यानी टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी, सो 2 टाइम ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच 5, सो टाइम ऑफ बी इज हाउ मच 2/5, तो कितना आंसर आ गया 12, ये हो गया और 2/5 ये, तो कितना हो गया 12 2/5,
5 ऑप्शन नंबर है। बताइए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया स्टूडेंट्स, और बिल्कुल आसानी से, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं। क्लियर? सो होपफुली पसंद आ रहा होगा लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है ये। मैंने ये बात वो बोली ना बहुत गहराई में, बिकॉज यहाँ से सीसेट क्लियर करवाऊंगा आपको, मैं मेरे साथ जुड़ोगे ना, ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा कोई नहीं बताने वाला, शायद करी भी हो आपने, बट आसान तरीके से बताऊंगा उनको मैं, ठीक है। चलिए, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 15 मिनट्स, टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 20 मिनट्स। क्लियर? बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लो इनका 60 आ गया, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 3। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, इसका मतलब एक आवर का काम कितना हो गया इनका 4 और 3 7, बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ, अगर एक घंटे में, माफ कीजिएगा एक मिनट है ना, एक मिनट में 7 काम हो रहा है, तो 4 मिनट में कितना काम होगा मेरे पास, 4 गुना 7 कितना 28 यूनिट, 28 यूनिट होगा, यस और नो, यस। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है 60 माइनस ऑफ 28 विच इज गोइंग टू हाउ मच 32, ये 32 काम ऑफ करना किसने, ए इज टर्न ऑफ, सो 32 वर्क विल बी डन बाय होम, टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी, सो 32 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितने बेटा मेरे पास 3, तो ये कितना हो गया 32/3 यानी कितना 10/3 मिनट है ना, यानी 10 आवर और कितने सेकंड्स, इसको करो 20 से मल्टीप्लाई और इसको भी करो 20 से मल्टीप्लाई, यानी कि 40/60 40, बट इसके पहले 4 मिनट और काम हुआ बेटा, तो ये कितना हो गया 14 40 सेकंड्स। क्लियर? सो प्लीज लाइक, डू शेयर द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे जो सी सेट से डर रहे हैं उनका डर खत्म कर दूंगा यार, खत्म कर दूंगा इस डर को मैं सी सेट के, आपके बता रहा हूं मैं, बट उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए, मुझे वार्ड फेंकूंगा जड़ से इस डर नाम की चीज को आपके दिल से, वादा करता हूं 100 से ज्यादा नंबर लेकर आपको इसी सेट में, बट उसके लिए आपको कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा रोज की रोज। क्लियर? चलिए, टैप पी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स एंड टैप क्यू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 आवर्स, देखिए टैप पी कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 आवर्स, तो टाइम ऑफ पी कितना है मेरे पास 6 आवर, टैप क्यू कितना मेरे पास -10 आवर, एलसीएम ले लो 30, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया -3, ठीक है। इफ बोथ टैप्स पी एंड क्यू आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली देन इन हाउ मेनी आवर्स विल बी एम्प्टी सिस्टम बी कंप्लीटेड फिल, तो ये कितना हो गया, तो बहुत आसान आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 2, वर्क टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क कितना मेरे पास 30, टाइम ऑफ ए का पता नहीं और एफिशिएंसी ये कितनी है 2, सॉरी ए प्लस बी, और ए प्लस बी, तो कितना आंसर आ गया, बहुत आसान था क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है, बस वो नेगेटिव वाला जो फंडा था वो हमें समझना था। प्लीज नोट कीजिए इसको जरा, चलिए अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स अनदर टैप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम देन इन हाउ मच टाइम विल द टैप एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली ईजी है अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन है देखिए क्या है टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 4 आवर टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास अनदर टैप कैन फिल
एंड 6 आवर्स, तो क्या मैं इसको 12 ले लूँ एलसीएम, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2। सो मुझे निकालना क्या है, फिर वही बात, वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी, सो 12 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इनटू एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और तो 5, सो 12 बटे 5 कितना हो गया मेरे पास 2 2 बाय 5। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से करो, तो कितना आ गया 2 आवर 24 मिनट्स। इसलिए मैंने ऑप्शन को पहले ही ठीक कर दिया था कि मुझे कुछ करना ना पड़े। क्लियर, नोट कीजिए इसको ज़रा। सो होपफुली समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं आपको हमेशा से ही कह रहा हूँ कि डरो मत, सामना करो इसका। आप लोग अगर डर के भागोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं वो डर आपको जीने नहीं देगा, मतलब फेस करो चीज़ों को। डर के भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। फेस करो, करना शुरू करो, आज ही से प्रण बना लो कि मुझे ये अच्छे से करना है। यार देखो इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप सोच रहे हो कि भैया सी सेट तो सारा का सारा है, इतना भी मुश्किल नहीं है यार, इतना भी मुश्किल है। सिर्फ 33% मार के 67 नंबर ही तो लेने। मैं इतनी अच्छी सी वीडियोज़ डाल रहा हूँ लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कि क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो उनको जाके आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अभी बैच शुरू हुआ है हमारा, अभी बैच शुरू हुआ, टाइमिंग क्या है मेरे पास, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन बहुत हैं, यानी अगर आप ना लगा पाएँ तो रिकॉर्डेड है। क्या आपके पास टाइमिंग 3 से 4:30। ये बैच अर्ली इसलिए शुरू किया गया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आपका बेफजूल में टाइम वेस्ट ना हो। जब दूसरे बच्चे तैयारी करने लगे, जब तक आपकी सी सेट की तैयारी हो चुकी हो, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर बैच एंड लेटर ऑन बैच। क्लियर, आपकी 4 दिन बेटा कम से कम क्लास रहने वाली है, ठीक है। टोटल 180 प्लस लेक्चर अवेलेबल होंगे इसमें आपके पास। क्या होंगे देखो, 90 लेक्चर्स होंगे जो आपके लाइव चलेंगे, जो लाइव क्लासेस लगेंगे, 90 लेक्चर मिलेंगे आपको। क्वांट के 50, 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के लेक्चर, प्रीवियस ईयर लेक्चर से आपको ये 90 लेक्चर तो आपको लाइव मिलेंगे, प्लस आपको 15 मिलेंगे प्रीवियस ईयर लेक्चर। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 50 प्लस, लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिलेंगे आपको 30 प्लस, और वीकली आपकी डाउट्स क्लास भी होगी, ठीक है। सो दिस इज आवर बैच सिनेरियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अगर किसी बच्चे ने तैयारी कर रखी है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को फोकस करना चाह रहा हो, किसी पर्टिकुलर पार्ट, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को फोकस करना चाह रहा हो, तो क्या किया जाए, कैसे करेंगे वो करोगे अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। ये नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। जैसे नंबर सिस्टम के 20 प्लस क्वेश्चन आए थे, तो क्यों ना नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लिया जाए पहले। समझ आई बात, कैसे तैयार करेंगे देखिए बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले चूज एग्जाम आप जाएंगे, लिंक आपको मिलेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, देखो मेरे सारे वीडियो कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शन से टेस्ट कोर्सेज हैं, माइक्रो कोर्सेज हैं। देखो UPSC ऑनलाइन सीसेट टॉपिक वाइज माइक्रो कोर्सेज, ये है मेरे पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। कॉल मी या व्हाट्सएप, या आपने चुनना है, आप कॉल अरेंज करना चाहते हैं या आप सिर्फ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, टीम वैसे जुड़ेगी, मुझसे ही बात होनी है अभी डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, पूरा बंडल 1603 रुपये का, बट नहीं लेना मत लो। आपको नंबर सिस्टम करना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम पार्ट मेरे पास नंबर सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ 323 रुपीज़ का है, ठीक है। इसमें क्या आपके पास 10 लेक्चर्स है, 10 लेक्चर्स हैं बच्चे, 10 नो वेब नोट्स और 419 क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 22 से 25% जो आपका पार्ट है ना वो यही है। अब तो ज़्यादा बोल लूँगा मैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरे पास 40 क्वेश्चन आए थे ना 2023 में, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, 20 के राउंड क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, तो पिछली बार 50% नंबर सिस्टम आया आपके पास। अगर मैं इसी में परमोशन कॉम्बिनेशन जोड़ दूँ, ठीक है, सो भैया ये 25 के राउंड क्वेश्चन हो गए थे, तो देख लो कितने ज़्यादा पार्ट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, इसमें भी 15-16% आते, ये 114 गए, परसेंटेज 167 का सिर्फ, परमोशन कॉम्बिनेशन सिर्फ 125 का, और 5 क्वेश्चन आए थे परमोशन कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट 5%, एवरेज 4.3%, नंबर सीरीज होती है आपकी वो आपके पास 4%, लाइन चार्ट
3.1 रेशो पर पोर्शन 3.52 टाइम एंड वर्क 3.52। सो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज को और अपना सी सेट क्लियर कर सकते हैं इस बार। अगली बार नहीं हुआ तो मुझे कहना, समझ आ गई बात, होगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर जुड़ना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।